युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विवेक मिश्रा के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। देवरिया जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस बेरोजगारी महंगाई सरकार के निजीकरण को लेकर सुभाष चौक पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को सुभाष चौक पर भारी संख्या में कांग्रेसी एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देवरिया युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूंके जाने पर पुलिस प्रशासन से झड़प हुआ, जिसके पश्चात प्रशासन द्वारा पुतले को छीन लिया गया। जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस विवेक मिश्रा ने बताया कि सरकार को इस महंगाई पर लगाम कसना चाहिए। सरकार के इस महंगाई से आम लोगों की जेब खाली होती जा रही है। गरीब तबके के लोग इस महंगाई में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर केंद्र सरकार द्वारा महंगाई को नहीं रोका गया तो हम लगातार आंदोलन करने में भी विवश होंगे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विवेक मिश्रा, संगठन प्रभारी धनंजय पांडे, शरद मणि त्रिपाठी, दीपक श्रीवास्तव, हर्षित सिंह, गोविंद मिश्रा, दिवेश मणि त्रिपाठी, अभिषेक वर्मा, कार्तिकेय मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए देवरिया से ब्यूरो चीफ मोइन खान की रिपोर्ट। प्रदर्शन आपको क्या मांगे हैं? देखिए, हम लोग की मांगे ये है, ये सरकार बोलती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 70 सालों में अगर कुछ नहीं किया तो आप किसकी बनाई हुई संपत्ति बेच रहे हैं? आपको ये नहीं ना बेचना चाहिए। निजीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं सड़कों पर, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और आप बस निजीकरण कर रहे हैं, बस उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बताइए आम जनमानस का क्या होगा? इस तरह युवा बेरोजगार कब तक रहेंगे? मांगे क्या है? मांगे क्या है आपकी? देखिए, मेरी मांगे ये है कि ये जो निजीकरण हो रहा है उस निजीकरण को बंद करना है।